नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ वो है ट्रंकल एक्ने, यानी कि वो पिंपल्स जो आपके चेहरे पे नहीं निकल रहे हैं, वो पिंपल्स जो आपके छाती के पास, जो आपके नेक पे, अपर बैक, लोअर बैक और शोल्डर के पास निकलते हैं। ये दिखने में सेम पिंपल जैसे होते हैं, इनका कारण भी वही है जो चेहरे पे निकलने वाले एक्ने का कारण होता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिकॉज बहुत लोग इस बीमारी को एलर्जी समझ लेते हैं, तो लोकल मेडिकेशन स्टीरॉइड्स का यूज कर डालते हैं या कभी कभी ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, जिस वजह से पूरे स्किन में आपको स्कार मार्किंग्स, हाइपरपिगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, स्किन पूरी डैमेज हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एक्ने वुल्गैरिस यानी मुहासों के ऊपर भी पहले हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो ट्रंकल एक्ने होता क्या है? जैसे मैंने बताया, ये एक किस्म के पिंपल्स ही हैं जो ब्लॉकेज ऑफ पाइलियोसेबेसियस यूनिट की वजह से होते हैं, जिसमें हेयर फॉलिकल एंड जो सीबम होता है ये पसीने की ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से उसमें सीबम हो गया, उसमें बैक्टीरिया हो गया और उसमें जो डर्ट होता है ये सब इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, जिसमें क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने जो है वो मेन बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनाइजेशन करता है, जिससे कि वहां पर इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने के लिए मिलती है। तो पिंपल्स भी दो किस्म के देखने के लिए मिलेंगे। एक तो हुआ इन्फ्लेमेटरी टाइप का, जिसमें पस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स, नोड्यूल एंड सिस्ट फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, और दूसरा होता है नॉन इन्फ्लेमेटरी, जिसमें कॉमिडोन्स, जिसको व्हाइट हेड या ब्लैक हेड हम कहते हैं, ओपन और क्लोज कॉमिडोन, इस पर भी हमने पहले एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस बारे में भी आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो पसीने की ग्रंथियां ब्लॉक हो गई, जिस वजह से ये ट्रंकल एक्ने आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनमें खारिश भी होती है, तो आपको खुजली नहीं करनी है। अगर आप इसमें खारिश करेंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फिर वहां ब्लड वगैरह, स्टेन्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे और स्कारिंग एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट है। तो इसलिए कभी भी इसमें खारिश मत करिए, पर इसमें खारिश अगर हो तो अपने डॉक्टर से आप जब बात करेंगे वो उसके लिए कुछ मेडिकेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम कैसे प्रिकॉशन लें जिससे कि बीमारी हो ही ना, और या हो तो बहुत नेग्लिजिबल हो, आपको बहुत कम परेशान करे। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये रहेगा कि आप लूज क्लॉथिंग पहन के रखिए, आप धूप, गर्मी, पसीना, उमस, टाइट क्लॉथिंग दूर रहिए, सर पे आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है, कपड़े अंदर से कॉटन, उसके ऊपर आप चाहें तो वूलन या और फैब्रिक्स यूज कर सकते हैं, और अगर आपके बाल लंबे हैं तो बन बांध के रखिए, ठीक है, तो जिससे कि आपके बाल गर्दन तक या आपके पीठ तक ना जाए। आप इसमें जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं, क्रीम होती हैं, वो आप ध्यान रखिए, या जो बॉडी वॉश होता है वो ध्यान रखिए कि वो फ्रैग्रेंस फ्री हो, हाइपो एलर्जिक हो, जिससे आपकी स्किन में किसी प्रकार की इरिटेशन ना हो जाए। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में और कंडीशन में बीमारी बढ़ सकती है। अगर किसी का एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, अगर आपके जीन्स में या फैमिली हिस्ट्री में है, अगर फीमेल्स में मेंसेस का टाइम आता है या पीसीओडी, पीसीओएस करके कंडीशन है, या अगर आपका स्किन बहुत ऑयली रहता है, तो भी एक ऐसी कंडीशन में आपको ट्रंकल एक्ने देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि दवाई के रिएक्शन के बाद भी ट्रंकल एक्ने एकदम से बढ़ जाते हैं, जैसे कोई एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स का अगर आपने यूज किया या स्टीरॉइड्स का यूज किया, तो उसको करने के बाद भी कभी कभी एकदम से हमारे पूरे शरीर में पिंपल्स फ्लेयर अप कर जाते हैं। जब आप धूप में जाएंगे तो बिकॉज ऑफ स्वेटिंग इसमें खारिश भी होगी, इसलिए आपको ये ट्रीटमेंट इमिडिएटली कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या संभव है। तो देखिए, ट्रंकल एक्ने एक ऐसी चीज है जो रिपीटिव है, ये बार बार परेशान कर सकती है, लेकिन अगर हम इसका ट्रीटमेंट लेते रहे बीच बीच में जब ये हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म भी हो सकता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट पैलेट जो टॉपिकल फॉर्म में दिया जाता है वो बेंजाइल परऑक्साइड होता है, ये सबसे अच्छा काम करता है क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने को खत्म करने में, कम करने में। सेकंड जो होता है एजलिक एसिड होता है 20%, ये दो काम कर देगा, एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी है, तो हल्का डार्कनेस भी कम करेगा, पिगमेंटेशन भी कम करेगा और पिंपल्स भी कम करता है। साथ साथ में इसमें हम लोग कुछ स्प्रेज भी देते हैं, आजकल नए नए स्प्रे आ गए हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि उनको दवाई का सेवन नहीं करना है, उनको सिर्फ लोशन या क्रीम फॉर्म में चाहिए, तो उस केस में हम एक्रेस्ट का बॉडी स्प्रे या सैलिजैक का बॉडी स्प्रे इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, जिसको सुबह शाम या दिन में एक बार आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको किसी की और की आवश्यकता भी नहीं, आप डायरेक्टली स्प्रे से और हल्का सा रब कर दीजिए, अगर रब भी नहीं करेंगे तो भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें भी एजलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कुछ तत्व होते हैं और काफी एफिशियंट है ये भी पिंपल्स को कम करने के लिए।
साथ साथ में आइसोटोटिनोइन, एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, टैप्सन वगैरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये सब कुछ अगर हम प्रॉपर फॉलो करें तो ये बीमारी खत्म भी हो सकती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।